कवर्धा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की जिला हॉस्पिटल में मौत हो गई और बेगा बाहुल क्षेत्र आगरपानी की रहने वाली मृतिका महिला को सुबह 4 बजे प्रसव के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। तथा घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल जिला हॉस्पिटल पहुंचे, मृतिका के परिजनों से मामले की जानकारी ली और आदिवासी महिला की मौत संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। होकर आई थी और फिर जो है उसका समस्या लेकर वहाँ से रिफ़र हुआ तो उसमें प्री एक्लेम्पसिया था, 60 सूचर था और उनके हाथ पैर में चेहरे में सूजन था। ये समस्या लेके आई और प्रोलॉन्ग लेबर के समस्या लेके आई थी कि जो रिलेटेड टाइप्स है राष्ट्र के दत्तक पुत्र उसके भी मतलब 19 साल की जवान लड़की और उसके बच्चे दोनों की डेथ हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ और पीएचसी के जो काम है उसमें लापरवाही दिखाई दे रहा है। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जो दहान है उसके पास जो बोर है उसमें पंप डाल के रखे हैं, वो चलता भी नहीं है। हैंड पंप ही कर दे ताकि, क्योंकि कुआं पानी पीना प्रतिबंधित करते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए।